नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ संतोष जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं आपको, इनको कैसा महसूस होता है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। बचपन से आ रही है मैम डेरा सच्चा सौदा संस्था में, कैसा महसूस करते हैं आप आश्रम में? हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, यहाँ आके ईश्वर का पता चला, भगवान का पता चला। एज एट गुरु हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। हम पढ़े भी यहीं पे हैं, स्टूडेंट हैं। हमारी लाइफ सतगुरु जी ने ही सुधारी है। अगर मालिक ना होता तो हमारा पता नहीं क्या हाल होता, हम कहाँ रुलते। यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा कैसी है? बहुत अच्छी है लड़कियों की सुरक्षा। कभी भी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? नहीं, कोई मीडिया में सरासर झूठ बोल रहे हैं, कोई उनमें सच्चाई नहीं है, सारा झूठ बोल रहे हैं। वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के, वो कोई बेबुनियाद, कोई वो सच्चे नहीं है, आरोप इसे झूठे ही साबित किए हैं उन्होंने। हमारे गुरु तो पवित्र हैं, पाक हैं, कोई उनमें कोई खामी नहीं है, कोई नहीं है। मैम फिर उनका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है गुरु जी का? गुरु जी का नेचर बहुत अच्छा है। उन्होंने लोगों के लिए, समाज के लिए क्या काम किए हैं? लोगों के लिए बहुत मानवता भलाई के बहुत ज़्यादा काम किए हैं। क्या आज उनकी ज़रूरत है समाज को? हाँ जी, समाज को ज़रूरत है। आजकल उनके जाने के बाद इतने नशे फैल गए हैं, जो नौजवान पीढ़ी है वो नशों में है, गलत रास्ते पे चल रही है। गुरु जी ने हमेशा गलत रास्ते पर जाने से रोका है और वो गलत रास्ते पे हमेशा ही चले जा रही है। इसलिए समाज को बहुत ज़्यादा गुरु जी की ज़रूरत है। गुरु जी आए और समाज सुधर सकता है। क्या मांग करोगे आप सरकार से? सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा के, जल्दी से जल्दी देश के लिए भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे साथ जनता जुड़ी है जिनका यही कहना है कि बचपन से आ रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं झूठे हैं, संत जी की समाज को सब जरूरत है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।